कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग को करते स्टार्ट। तो आज का व्लॉग है हमारा रेसिपी का। तो किस चीज़ की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको? दे रही हूँ रेसिपी कबाब की, सीख कबाब जिसे कहते हैं, लेकिन मैं बनाऊँगी मेरे स्टाइल में। तो चलें चलते हैं सीमी के किचन में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी कैसे मिलेंगी, और रेसिपी मिलेंगी और ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो है आप एक रेसिपी के साथ हाजिर हो चुकी हैं, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस चीज़ की रेसिपी बना रही हैं, ये मसाले कौन कौन से हैं। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे और आपको तो पता है कि कॉपीराइट लग जाएगा, तो इस वजह से चैनल नया मोनेटाइज हुआ है, तो ये रिस्क तो मैं ले नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कहा वॉइस ओवर कर दूं ताकि आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएँ। फिर उसमें मिक्सिंग हो रही थी और मेरा चैनल पर कॉपीराइट लग जाता, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ। तो मैंने लिया था 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, मैंने ज़ीरे को भुना था, फिर उसके बाद जो है मैंने उसको पीसा था। हल्दी ली थी मैंने 1/2 टेबल स्पून और काली मिर्च ली थी मैंने 1.5 टेबलस्पून और जो मैंने लिया था भुने हुए चने होते हैं उनको पीसा था मैंने, वो दी। पिसी हुई मिर्च मैंने 1/2 चम्मच लिया था और शेख मसाला लिया था मैंने थोड़ा सा, और गरम मसाला लिया था मैंने थोड़ा 1 चम्मच और पिसा हुआ धनिया लिया था 1/2 चम्मच, काली मिर्च ली थी 1/2 चम्मच और उसके बाद मैंने ली है प्याज 2 दरमियानी साइज़ की ले ली थी, उनको फ्राई कर लिया था। पुदीना लिया मैंने थोड़ा सा और पुदीना चटनी के लिए लिया, दही मैंने 1 पाव लिया, लहसुन के 2 जवे, 1 हरी मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ ज़ीरा वो ले लिया था मैंने चटनी के लिए, अदरक लहसुन के 2 चम्मच ले लिए तो, और कीमा मैक्सिमम जो लिया था मैंने 1 किलो के हिसाब से बना रही थी मैं, नमक हंसपे थोड़ा टेस्ट के मुताबिक जैसे आप लोग तेज़ हल्का जैसे भी खाते हो फिर उस हिसाब से, लेकिन कीमा मेरा मोटा था तो इसलिए मैंने चॉपर रख लिया था अपने साथ। अगर आपका भी कीमा मोटा हो तो आप भी उसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन बारीक पीसने का कहा था, लेकिन ये कि वो कुछ ज़्यादा ही मोटा था, बारीक नहीं था। और अच्छा, जिनके पास चॉपर ना हो तो जाहिर सी बात है वो भगोश वाले से बारीक करवाएंगे और उसको सिल पे पीसना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा बारीक भी नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक इसलिए करना था कीमा, क्योंकि उसकी के कबाब जो है मज़े के लगते हैं। कीमा बारीक करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, कोई मसला नहीं जब तक हम लोग गप्पे शप्पे मारते हैं। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन कमेंट्स में बताया करें, आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते। अच्छा, बारीक मैंने कर लिया था कीमा, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी बारीक हो गया था वो जैसा मैं चाह रही थी, और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला, और मैंने जो प्याज मैंने फ्राई की थी ना वो मैंने उसी में डाल दी थी चॉपर में, मैंने कहा पता नहीं चॉपर में हो या नहीं हो, लेकिन मैंने डाली थी कि उसमें हो जाएगी, लेकिन फिर हो गई थी, मैक्सिमम तक हो गई थी ना। उसके बाद जो है मैंने अदरक लहसुन उसमें डाल दिया था, और बाकी जो सारे मसाले मैंने आपको क्वान्टिटी उसकी बता दी थी उस सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और ऐड करने के बाद उसको मिक्स जब कर रहा था ना तो मेरे हाथों में वैसे ही अभी तक जलन हो रही है, लेकिन ये है कि मैंने मिक्स कर दिया था। अच्छी तरह मिक्स करना आपको, क्योंकि फिर वो ऐसी बात है आधे कबाब में टेस्ट आएगा आधे में नहीं आएगा, तो इस वजह से सही से मैंने उसको मिक्स किया था, मैंने सही से इसको मिक्स किया था। यार सब्सक्राइब किया है और चैनल वीडियो भी देखा करें, सब्सक्राइबर तो इतने हैं मेरे पास लेकिन व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़ें और खुशी से अपनी वीडियो अपलोड करें, और मज़ीद खुशी होगी जाहिर सी बात है जब हमारे चैनल को सब देखेंगे तो मुझे और खुशी होगी कि लोग हमारे चैनल हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और मैं फिर यही कहूँगी कि फेसबुक पे तो मुझे व्यूज़ काफ़ी मिलते हैं, लोग काफ़ी वीडियो देखते हैं, 1K हो जाते हैं मेरे व्यूज़, लेकिन यूट्यूब पे तो कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा। फेसबुक वालों यूट्यूब पे तो ज्वाइन करो, मुझे क्या हो गया आप लोगों को, बस फेसबुक पे देख के ही सारी वीडियो देख लेते हैं इसकी। अच्छा, कबाबों और कीमा तो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने पुदीना काट के रखा हुआ था इसमें मिक्स करने के लिए मैंने पुदीना डाल दिया, और मैंने लिया था जाहिर सी बात उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने 1 चम्मच मक्खन लिया था,
ये तो घर में रखा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप नहीं डालिएगा, लेकिन ये कि अगर हो तो अच्छी बात है, डाल दीजिएगा, टेस्ट उससे चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स किया ताकि उसमें मक्खन भी मिक्स हो जाए और पुदीना, ये सब चीज़ें उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, तो ये रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी है। घर में सारी चीज़ें आपकी रखी हुई हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। ये नहीं कि आप उसके लिए हर से बाद मसाले पीसने पड़ेंगे या कूटने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना, मुझे मेरे पास था नहीं फॉइल पेपर, तो मैंने प्याज का छिलका लिया, उसके ऊपर मैंने कोयला गरम किया था। कोयला गरम करके छोटा सा पीस था मेरे पास कोयले का, और मैंने गरम करके उसके ऊपर रख दिया था। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास ऑयल हो या घी हो अवेलेबल, उसके मैक्सिमम एक दो कतरे डाल दीजिएगा उसके ऊपर। लेकिन जब कोयले का भाप दें तो आप अपने एक हाथ में लाजमी उसका कैप रखिएगा ताकि उसको फौरन से ढक दें। अगर आपने भाप दिया है तो वो बाहर नहीं आना चाहिए, और जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा भाप तो फिर मैक्सिमम आपको 5-10 मिनट लगते हैं उसके लिए। अच्छा, रायते के लिए मैंने चटनी का सारा सामान पीस लिया था, और पीसने के बाद जैसे वह रायते को मैंने फेंट के उसमें, मैंने रायता बहुत टेस्टी बनाया था, और वैसे भी रायता मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। इसमें एक चीज़ की कमी थी, वो भी अदरक की। अगर अदरक होती तो वो भी मैं डाल देती इसके अंदर, लेकिन रायता अच्छा बना था। रायते के साथ साथ कबाब भी अच्छे बने थे, और कबाब मैंने रेडी करके बिल्कुल रख दिए थे ताकि मैं उसको आराम से फ्राई करूं। अगर मैं एक एक करके उसको बनाती और उसके बाद मैं उसको रखती तो काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन पहले मैंने उसको बना के रख दिए थे, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने उसको फ्राई करना स्टार्ट किए थे। और आप लोग अगर चाहें तो घी में फ्राई कर लें, नहीं तो उसके आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। फाइनली कोल्ड ड्रिंक के साथ आप खाएं, और चपाती भी लें, ऐसे नहीं खाना। मैंने अगर कोल्ड ड्रिंक खाने में पकड़ी भी तो इसका मतलब नहीं, आप ऐसे ही खा लें। लेकिन ये कि मैंने इसके साथ रायता भी बनाया था, इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर की है, और ये सलाद तो सबको बनाने आती है, और ये कबाब की रेसिपी इतनी ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो आप बाज़ार से लेंगे, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको टेस्ट करूँगी कैसे बने। वैसे तो मैंने जब बीच में टेस्ट किए थे, नमक वगैरह टेस्ट किया था, तो वो बहुत मज़े के लगे, सबको ही मज़े के लगे, मुझे भी अच्छे लगे। मेरी रेसिपी से आप भी बनाइएगा तो मज़े के बनेंगे। इजी रेसिपी है, सिंपल सी, आप लाजमी बनाइएगा। ये है कुरेशी कबाब। लोग तो इसको सीख कबाब बोल रहे हैं, सब चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन ये कुरेशी कबाब है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुरेशी कबाब है ये बहरहाल। तो वीडियो कर रही हूँ मैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये रेसिपी कैसे देखेंगे आप और कैसे सीखेंगे घर में खाना बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।